PP38 के जिमनी इलेक्शन की बात करेंगे। 165 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा आ चुका है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार कामयाब हो गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार को 60,588 वोट मिले हैं। मजीद जान लेते हैं, मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मियां अशफाक बताएगा क्या सूरत हाल है। अब सियालकोट में PP38 ने इस वक्त जो है वो तारीख रकम कर दी है। बुनियादी तौर पर ये हल्का मुस्लिम लीग नवाज का था, लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार इसमें जो है वो कामयाब हो गए हैं। 60,588 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मुखालिफ तारिक सुभानी जो है वरियो खानदान से जिनका ताल्लुक है वो 53,741 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। 7,000 की ये लीड है। बुनियादी तौर पर ये तसव्वुर नहीं किया जा रहा था, आज से अगर एक महीना पीछे चले जाएं तो कोई ये गुमान नहीं कर सकता था। जितने सियासी पंडित थे वो सब यही प्रोडिक्शन कर रहे थे कि ये जो हलका है, चूँकि 1985 से लेकर आज तक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ रहा है और यहाँ से बड़ियों खानदान ही हमेशा से कामयाब होता रहा है। कभी खानदान का एक फर्द कामयाब होता था तो कभी दूसरा फर्द कामयाब होता था। तो आज इस हलके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत एहसन सलीम बरियार जो है वो 7,000 से ज़ायद लीड लेकर कामयाब हुए हैं। इस वक्त बरियार हाउस में जो है वो जश्न का समा है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान आप सुन रहे होंगे कि वो अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा कर रही हैं, उनके जज्बात को उभार रही हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो है वो पार्टी तरानों पर कारकुनों की जानिब से जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं, अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।